छतरपुर जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत ढड़ारी के आंगनवाड़ी केंद्रों पर खाना पहुंचाने वाले समूह द्वारा व्यापक अनियमितता की जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और ग्रामीणों के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस सहित पिछले करीब एक माह से केंद्रों पर भोजन नहीं आया। इसके पहले जो भोजन आता था वो मेन्यू के मुताबिक न होने तथा गुणवत्ताहीन होने के कारण बच्चों को नहीं दिया जा सका। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ये भी नहीं पता है कि भोजन किस समूह द्वारा भेजा जा रहा है। ग्राम पंचायत ढड़ारी के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक एक की कार्यकर्ता सरस्वती विश्वकर्मा और सहायिका पूजा सिंह ने बताया कि इस केंद्र पर कुल 54 बच्चे दर्ज हैं। समूह द्वारा केंद्र पर विगत एक माह से भोजन नहीं भेजा गया, जिस कारण से बच्चों का आना कम हो गया है। 54 में से मात्र 10-12 बच्चे ही केंद्र पर पहुंच रहे हैं। सहायिका पूजा सिंह के मुताबिक वे कई बार अधिकारियों से इस मामले में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन न तो उन्हें ये जानकारी दी जा रही है कि किस समूह के द्वारा भोजन भेजा जा रहा है और न ही दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। यही हाल आंगनवाड़ी केंद्र 2 का है। यहाँ की कार्यकर्ता पद्मा सिंह और सहायक मुलिया कुशवाहा के मुताबिक केंद्र पर कुल 55 बच्चे दर्ज हैं, जिनमें से 10-15 बच्चे आते हैं। समूह द्वारा यहाँ भी भोजन नहीं भेजा जा रहा। आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 3 में कार्यकर्ता सुशीला गंगेले ने बताया कि केंद्र में कुल 103 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन इनमें से मात्र 20-25 बच्चे आते हैं। सहायिका फूला देवी के मुताबिक भोजन पहुंचाने वाले समूह द्वारा गुणवत्ताहीन भोजन भेजा जाता है और पिछले लगभग एक माह से केंद्र पर भोजन नहीं पहुंचा है। ग्रामीण भुमानी बाई कुशवाहा का कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्र आने वाला खाना इतना गुणवत्ताहीन होता है कि इसे जानवर भी नहीं खाते। ऐसे में उन्हें डर है कि कहीं बच्चे ये भोजन खाकर बीमार न हो जाएं, इसलिए वे अपने बच्चों को आंगनवाड़ी नहीं भेजते। एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि पुराने समूह द्वारा मेन्यू के मुताबिक गुणवत्ता युक्त भोजन दिया जाता था, लेकिन अब नए समूह द्वारा कभी कभार गुणवत्ताहीन आलू की पतली सब्जी और पतली दाल भेजी जाती है। पिछले एक माह से ये भोजन भी आंगनवाड़ी पर नहीं आ रहा। बिल्कुल अच्छा नहीं यार, ढोरन जैसा खाना तो कहे बच्चा बीमार पड़ने का खवा के हम नहीं भेजाता बच्चा का। कोई आई नहीं है तो किसको शिकायत करें? आज आपने पूछा तो बता दिया। कोई प्रकार का खाना आता है यहाँ? कभी ये पतले से आलू पानी से आते हैं, दाल आती है, कभी खिचड़ी आती है, कभी ना पहले रहती थी आंगनबाड़ी उसमें सब आता था, कड़ी आती थी, हलवा आता था, पूड़ी आती थी, अब कुछ नहीं आता है। बच्चों के लिए आता है खाना कि बच्चों को मिलने के लिए? नहीं, और कहाँ पे 2-4-10 बच्चे आती है। ये आंगनवाड़ी क्रमांक 1 है और ईशानगर 2 है। कौन सा खाना बनता है गुरुवार का? चावल पुलाव और पकौड़ी वाली कड़ी आती है। आज क्या आया? आज खिचड़ी आई है सर। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ सब 54 बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के। आपके संचालक का क्या नाम है? सरस्वती विश्वकर्मा। उनको इस बात की जानकारी है कि नहीं? हाँ सर। सर शिकायत की है सर काफी बार, लेकिन के सुनवाई नहीं हुई है कुछ, मतलब खाना नहीं आता? नहीं सर। एक नहीं सर। कौन है समूह, कौन चलाता, जानकारी है? नहीं सर, समूह वालों की जानकारी नहीं है। हमारे इधर एक लोग लेके आते हैं सर। इधर यहाँ पर समस्या ये है कि बच्चा का कभी याद करके पूरी साल हो गया, कभी नाश्ता वास्ता आता नहीं है, और सब्जी बनती है तो आलू लग जाता है, पानी लग जाता है। हमारे नाती और नातन पढ़ते हैं भी, कभी यहाँ खाना खाते नहीं खाते, हमें उल्टी हो जाती है। ये यहाँ के हैं और हम काम करता सहायता से बोलते हैं तो वे कहते हैं जैसा हमारे यहाँ आएगा वो इसी हम खिला देंगे, हमें काम का पाए। हम कहते हैं उन लोगों से भी लोग देती नहीं है कुछ। कौन बनाता है खाना, कहाँ से आता है? यहाँ का काम एक मुल्ला कुशवाहा लेके आती है यहाँ पर खाना बच्चों के लिए। अब इमरजेंसी हालातों में इलाज के लिए महानगरों की ओर भागने की जरूरत नहीं। छतरपुर में आ गया है झांसी का प्रख्यात और भरोसेमंद संस्थान संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक, एक्सीडेंटल मरीजों के लिए जीवन रक्षक उपकरणों के साथ इलाज की सुविधा, छतरपुर के लिए वरदान। 24 घंटे भर्ती की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर युक्त संसाधनों और योग्य चिकित्सकों की सुविधा, 24 घंटे डायलिसिस सुविधा। इमरजेंसी हालातों में संपर्क करें संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टीवीएस शोरूम के पास, होटल ला कैपिटल के नजदीक, पन्ना रोड, छतरपुर।